अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का शपथ ग्रहण आज। निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार दी जो बाइडेन को शुभकामनाएं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व आज। देश भर के गुरुद्वारों में उत्सव। पीएम मोदी ने किया गुरु गोविंद सिंह के साहस और बलिदान को याद। भारत पड़ोसी देशों को उपलब्ध कराएगा कोरोना का टीका। भूटान नेपाल समेत 6 देशों को आज से भेजी जाने लगी की वैक्सीन। श्रीलंका अफगानिस्तान और मॉरिशियस भी भेजी जाएगी वैक्सीन। कई डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स का कोरोना वैक्सीन लेने से इनकार करने पर केंद्र चिंतित। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा। 13 लोगों की मौत, कई घायल। किसानों की दिल्ली घेरेबंदी का 56वां दिन। किसान नेताओं और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता जारी। टिकरी बॉर्डर पर जहर खाने से एक और किसान की मौत। कृषि कानूनों पर बनी सुप्रीम कोर्ट की समिति ने किसान संगठनों से की बात करने की अपील। कहा, हम तटस्थ होकर करेंगे काम, लेकिन किसान संगठनों ने पेशकश ठुकराई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कृषि कानूनों पर गठित कमेटी पर सवाल उठाना ठीक नहीं। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली पर हस्तक्षेप से किया इनकार। और जम्मू कश्मीर में गुपकर अलायंस में फूट। सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस हुई अलायंस से अलग। जिला विकास परिषद चुनाव में अलायंस के घटकों की ओर से छद्म प्रत्याशी खड़ा करने का लगाया आरोप।